11,400 करोड़ रुपए के महा घोटाले के बाद पीएनबी बैंक ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पीएनबी बैंक ने अपने 18,000 कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के निर्देश पर कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि सीवीसी ने मंगलवार को बैंक के लिए आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि एक ही जगह पर कई सालों तक तैनाती से घोटालों में मदद की आशंका दिखती है। सीवीसी ने 21 फरवरी तक 3 साल और 5 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर काम कर रहे बैंक अफसरों और क्लर्कों की लिस्ट बनाने की मांग की है। इसके बाद तबादलों का सिलसिला शुरू होगा। गौरतलब है कि पीएनबी पहले से ही इस मामले से जुड़े अपने 18 कर्मचारियों को निलंबित कर चुका है और सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बैंक के जनरल मैनेजर राजेश जिंदल समेत 3 और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।